तो आज के सेशन में हम लोग देखेंगे, स्टार्ट कर रहे हैं वीबीए से। ठीक है, वीबीए के इंटरफेस में आपका क्या क्या होता है। एक तो आपके मॉड्यूल में सारी कोडिंग होती है, ठीक है, इंसर्ट मॉड्यूल करके करते हैं। दूसरा, आपकी शीट में कोई कोडिंग करनी हो तो शीट के लिए अलग से, इस पर डबल क्लिक करोगे तो शीट का खुलता है। ठीक है, शीट का कोडिंग एनवायरनमेंट खुलता है। इनमें क्या होता है, इवेंट प्रोग्रामिंग होती है, जैसे कि शीट के क्लिक होने पे क्या हो, शीट के चेंज होने पे क्या हो, ये सब इवेंट प्रोग्रामिंग होती है। एक होता है यूजर फॉर्म, यूजर फॉर्म यहाँ पे होते हैं, जैसे डायलॉग बॉक्स वगैरह हमें बनाने होते हैं। ठीक है, और एक होते हैं फंक्शंस, जैसे कि हमारे सम, मैच, वीलुकअप वगैरह है ना, तो ऐसे ही फंक्शन भी बना सकते हैं। तो अभी हम मैक्रो से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसमें क्या करना है, हमने अभी सबसे पहले, अभी मैंने इनपुट आउटपुट के लिए आपको मैसेज बॉक्स और इनपुट बॉक्स दिखाए हैं। अब ये देखेंगे कि शीट से कैसे डेटा लेते हैं, ये किसी सेल से डेटा कैसे लेते हैं। तो हम रेंज ऑब्जेक्ट के बारे में देखेंगे आज। रेंज ऑब्जेक्ट बेसिकली आपका सेल होता है। ठीक है, जैसे सेल से कोई डेटा लेना है हमें, तो इसका एड्रेस देना होता है। इसका जैसे मैंने डिक्लेयर किया, डिम आर एस, या डिक्लेयर भी नहीं किया, जैसे मैसेज बॉक्स मैंने कर दिया रेंज, रेंज के अंदर सेल वन सेल टू ले रहा है। आप इन्वर्टेड कॉमा में कोई सेल का एड्रेस दे सकते हो। ठीक है, रेंज। अब मैसेज बॉक्स में जो रेंज में वैल्यू पड़ी होगी, A1 में मैंने जैसे कुछ भी लिखा है, तो इसको प्ले करते ही उसकी वैल्यू उठ के आ जाएगी। ठीक है, रेंज में हमने, रेंज के कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। रेंज बेसिकली एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट वो होता है जिसके बेस पे आप इसमें इसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह वो करते हो, एक्सेस करते हो। जैसे हर चीज़ की इसमें कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, जैसे ये प्रॉपर्टी की विंडो है, मॉड्यूल की प्रॉपर्टी है, इसी तरह रेंज की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं, जैसे ही आप डॉट लगाते हो। तो ये एक्टिवेट करना है, कमेंट डालना है, एड्रेस क्या है उसका। देखो, प्रॉपर्टी में ये वाला साइन होता है, ये उंगली का सा साइन है ना, ये प्रॉपर्टी है और ये आपके मेथड है, मैक्रोस कह सकते हो, ये मैक्रोस है। ठीक है, तो प्रॉपर्टी जो होती है उसमें वैल्यू जो है वो इक्वल टू करके जा सकती है, जा सकती है, आ सकती है। ठीक है, तो अगर मैं A1 लिख के कुछ भी करूँ, मान लो इसका मैं ये इस तरीके से कर दूँ, अलग कर दूँ। ठीक है, तो मतलब कि मैं उस सेल को ये वैल्यू दे रहा हूँ, यहाँ पे वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, और अगर इसी से लेना चाहें तो ये हमने क्या था, ये कोटेशन मार्क लगाते ही ग्रीन हो जाता है ना, इसका मतलब क्या है, कमेंट, ये कमेंट बना दिया है। तो कमेंट क्या करेगा, कमेंट इसको, इस कोड को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। अभी इसको प्ले करूँगा तो ये लिखा हुआ आ गया। तो मतलब जो इनपुट आउटपुट का काम हम मैसेज बॉक्स उससे करा रहे थे, तो हम रेंज ऑब्जेक्ट पे भी करा सकते हैं वही सारे काम। ठीक है, और रेंज ऑब्जेक्ट को कैसे यूज़ करते हैं, रेंज को देते कैसे हैं, रेंज A1 से A10, जैसे एड्रेस लिखते हैं सेम, डॉट वैल्यू जो होता है, जो इसके अंदर पड़ी हुई वैल्यू को लाता है, सेम। अगर आप रेंज वैसे भी लिखते हो और डॉट वैल्यू लगाते हो तो सेम है। इसमें मैं कुछ भी लिख देता हूँ, जैसे तो ये दसों की दसों सेल पे आ जाएगा, लिख गया।
ठीक है। और इस रेंज को कैसे दिया जा सकता है? रेंज में जैसे देखोगे ब्रैकेट स्टार्ट करते ही दो सेल कॉमा में आ रहे हैं ना, तो इसको ऐसे भी दे सकते हो, A1 कॉमा A10। तो पहली और दूसरी सेल को ये ठीक है, तो ये भी सेम है इसमें। ये भी इसमें सेम काम करेगा, चाहे वैसे दे सकते हो चाहे ऐसे दे सकते स्टार्टिंग और एंड वाले से। हो। ठीक है, तो ये तरीके हैं ना। अब मानो पीछे को ब्लैंक छोड़कर बस बीच का नहीं, मैं बता रहा हूँ अभी इसको रेंज को कैसे कैसे करना है, रेंज की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। अगर हमें पता ना हो कि यहाँ कितना डाटा पड़ा है, और मान लो मुझे ऐसे सिलेक्ट करना है, तो सिलेक्ट के लिए रेंज डॉट सिलेक्ट का कीवर्ड होता है, ये उसके साथ भी आता है वैसे। ठीक है, सिलेक्ट अगर मैं करूँगा तो क्या हो जाएगा, ये सिलेक्ट हो जाएगा। फिर रेंज का ही पार्ट है सिलेक्शन, एक है हमारे पास सिलेक्शन। सिलेक्शन अपने अंदर उन वैल्यूज़ को लेता है जो कि सिलेक्टेड होती हैं। तो सिलेक्शन पे मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, फॉन्ट डॉट बोल्ड ठीक है, जो इसके साथ की प्रॉपर्टी है, सेल कलर है। अब मैं चाहता हूँ ये बोल्ड हो जाए, सिलेक्शन बोल्ड हो गया। इसको हम ऐसे भी कर सकते थे, डॉट फॉन्ट डॉट बोल्ड इक्वल टू ट्रू, ट्रू करेंगे बोल्ड हो जाएगा, फॉल्स करेंगे उसको वैसे कर देगा नॉर्मल। ठीक है, इसी तरह फॉन्ट डॉट इटैलिक, इसी में अगर आपको देखना हो कि इसके क्या क्या प्रॉपर्टी होती हैं, तो आप रेंज की प्रॉपर्टी को कैसे रिकॉर्ड करके देख सकते हो। अब जैसे इसके साथ आपने कुछ करना था, रिकॉर्ड किया आपने मैक्रो वन, यहाँ से मैंने क्या किया, कलर चेंज किया। ठीक है, स्टॉप कर दो, सिंगल इवेंट मारो, स्टॉप रिकॉर्डिंग, मैक्रो में गए, मैक्रो वन के नाम से था, एडिट में चले जाओ, ये रहा। तो आप देख रहे हो सिलेक्शन डॉट इंटीरियर डॉट पैटर्न कलर ये वाला आ गया। ठीक है, मतलब रिकॉर्ड करके भी आपको कोड मिल जाता है। ये विद और एंड विद क्या है, विद के साथ जैसे सिलेक्शन डॉट इंटीरियर करा है हमने, है ना। अब इंटीरियर जैसे यहाँ पे हमने फॉन्ट डॉट बोल्ड कर रखा है, तो फॉन्ट के साथ ही हमें अगर कुछ और लेना होता, फॉन्ट डॉट बोल्ड, फॉन्ट डॉट इंटीरियर या फॉन्ट कलर इस तरह से, तो ये इसके आगे जो डॉट लगा के लाएंगे, तो विद के साथ हम एक पैरामीटर देते हैं, फिर इनके आगे हमें ये लिखने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, इसको ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं एंड विद तक। ठीक है, तो इस तरह से आप देखो, मैं मॉड्यूल 2 बन गया, इसमें आपका रिकॉर्डेड आ गया कि कैसे ये कलर चेंज करेगा। हालांकि इसका कलर ऐसे भी चेंज कर सकते हैं, रेंज डॉट इंटीरियर डॉट कलर, एक कलर है आपके पास, एक कलर इंडेक्स है। ठीक है, कलर अगर मैं दे दूं तो इसमें VB रेड, जो भी कलर देंगे वो VB करके देंगे। ठीक है,
इसको प्ले करूँ तो ये रेड हो गया, वी भी ग्रीन करेंगे ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, अब मान लो कि मुझे ऐसे डेटा पे काम कराना है जो मुझे नहीं पता कि कहाँ पे ख़त्म हो रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, डायनेमिक रेंज कैसे बनेगी, रेंज ए 6500 या 65000 वो लिख लेंगे जो बड़ी होगी। ठीक है, उसके बाद एंड एक्सेल अप डॉट सेलेक्ट। ठीक है, ये क्या कर रहा है देखो, एक तो हम नीचे जैसे जाते हैं और कंट्रोल से ऐसे ऊपर आते हैं तो लास्ट सेल सेलेक्ट कर लेता है ना, ये भी सेम वही है। देखो एंड का एक बटन होता है हमारे पास, जैसे ही हम एंड का बटन दबाते हैं यहाँ पे एंड मोड आ जाता है, उसके बाद एरो की से जिस डायरेक्शन में करेंगे वो वहाँ के लास्ट तक चला जाता है। ठीक है, तो यही चीज़ इसमें ऐसे की जानी है, रेंज में मैंने सबसे नीचे वाली सेल सेलेक्ट कर ली, एंड की यहाँ पे डायरेक्शन आई एक्सेल अप डॉट सेलेक्ट। ठीक है, तो मेरा कहीं भी सिलेक्शन है, और अगर मैं इसको करता हूँ, इसको कमेंट कर देता हूँ पहले, यहाँ पे भी हैं कमेंट के लिए आपके पास कमेंट ब्लॉक। ठीक है, तो ये मेरा क्लिक जो है यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो पहला सिलेक्शन तो हो गया मान लो हमारा, पर पूरा डेटा ऊपर तक भी करना है तो रेंज के अंदर ही जैसे दो सेल ले सकता है, तो सिलेक्शन हमारा किसके अंदर चला गया, सिलेक्शन के। ठीक है, पहली सेल सिलेक्शन हो गई और दूसरी सेल हो गई हम A1 कर देंगे डॉट सिलेक्ट। ठीक है, सिलेक्शन से अगली मतलब वो ऊपर तक सिलेक्ट कर लेंगे, तो ये इस तरह से सिलेक्ट। तो A1 ऊपर वाली सेल आपको पता ही होगी कहाँ डाटा चल रहा है, अगर नहीं पता तो सेम यही वाला कोड मार देंगे पर सिलेक्ट नहीं लगाएंगे उसके आगे, सिलेक्ट मतलब मेथड हो जाता है, यहाँ तक ये अपना एड्रेस देता है, सिलेक्ट मतलब कोई काम करवा रहा है। फिर इसको हम कर देंगे जहाँ पे आखिरी कर्जर होगा, तो ये 6500 वाला तो यहाँ देना नहीं है, यहाँ पे हम करेंगे पहला सिलेक्शन और दूसरा सिलेक्शन से डॉट एंड एक्सेल अप। ठीक है, तो वो सेल का एड्रेस इसके पास चला जाएगा, तो अब इसको प्ले करेंगे तो भी सेम काम, बस इसमें गैप नहीं होना चाहिए, अगर गैप हुआ तो वो क्या करता है कंट्रोल से रुक जाता है, उधर ये सीधा आके यहाँ से यहीं रुक जाएगा। हाँ, तो या तो आपको पहली वैल्यू पता होती है कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, एंड का ही दिक्कत होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है इसके अंदर, तो ये एंड एक्सेल अप एक्सेल डाउन नीचे आएगा, एक्सेल राइट राइट में जाएगा इस तरीके से। ठीक है, अगर आपको खाली रो पता लगानी है कि लास्ट वाली रो कौन सी है, तो मैं ये कर दूंगा
रो पता लगानी है, कॉलम पता लगाना है, डिम आर एस इंटीजर कर दिया, ठीक है। और आर के अंदर जो मैं वैल्यू ले लूँगा वो ले लूँगा ये वाले, डॉट इसी में रो का भी है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, रो फाइंड करेगा कौन से नंबर की, जहाँ पे कर्सर आके रुकेगा उसका रो नंबर आर को दे देगा, ठीक है। अब मुझे सिलेक्ट करवाना है तो मैं ऐसे भी करवा सकता हूँ, जैसे पहली वाली मुझे पता होती है तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि ए वन से लेकर ए के साथ कंकैटिनेट कर दिया मैंने आर को, ठीक है। डॉट सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। अब इसको अगर मैं करूँगा तो ये भी आपका सेम काम करेगा, समझ रहे हैं। तो रो की वैल्यू ऐसे ले जा सकती है, कॉलम की आप उठा सकते हैं, ठीक है। तो ये डायनेमिक मेथड है जिससे हम सेल को सिलेक्ट करवाते हैं, ठीक है। अब उसके बाद एक हमारे पास यहाँ पे कीवर्ड होता है एक्टिव सेल का, वो भी रेंज का ही पार्ट है। जो मैं डॉट करने से सिलेक्शन में खुलता है, रेंज में खुलता है, वही सब आपका एक्टिव सेल में भी खुलता है। पर एक्टिव सेल होता है जो भी सेल एक्टिव होगी, जहाँ पे कर्सर है आपका, एक्टिव सेल डॉट इंटीरियर डॉट कलर इक्वल टू मैंने कर दिया वी बी ग्रीन, ठीक है। तो एक्टिव सेल कौन सी होगी, देखो सिलेक्शन कुछ भी हो सकता है, एक्टिव आपकी ये वाली है, देख रहे हो जो वाइट में है ये है, अब ये एक्टिव है। सिलेक्शन आपका ज़्यादा हो सकता है पर एक्टिव सेल एक ही होगी, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे तो ये एक्टिव सेल होगी, ठीक है। तो जो भी एक्टिव सेल है उसका कलर जो है वी बी ग्रीन हो जाए, ठीक है। तो रेंज कैसे चलता है आपने देखा, क्या मेथड यूज़ करते हैं, एक्टिव सेल में हम क्या क्या कर सकते हैं। इसके बाद होता है सेल, वो भी रेंज का ही पार्ट है, ठीक है, जो हमारे सेल रेफरेंस से वर्क करने में मदद करते हैं। तो यही तीन चार कीवर्ड हैं जो अब इसमें हम देखते हैं। एक्टिव सेल देख लिया हमने, सेल सेल्स एक्चुअली, ठीक है। इसमें इसको बताना पड़ता है कि रो इंडेक्स क्या है, कॉलम इंडेक्स क्या है। रो इंडेक्स मतलब पहली रो हो गई 1 2 3 4 इस तरह से, कॉलम इंडेक्स मतलब एबीसी नहीं होता, 1 2 3 4 ही होता है। तो मैं इससे कहता हूँ कि अगर दूसरी रो का तीसरा कॉलम डॉट वैल्यू उसकी ये कर दे, ठीक है, तो ये दूसरी सेल का तीसरा कॉलम ये कर देगा, ठीक है। ये समझ आया सेल कैसे यूज़ करना है, इसमें नंबर ही यूज़ होते हैं। इसमें फ़ायदा क्या होता है कि हम लूप के साथ इस नंबर को चेंज करवा देते हैं। जैसे आई काउंटर चला रहे थे ना, तो काउंटर इसकी जगह लिख देते हैं, तो काउंटर बदलता जाता है तो रो बदलती जाती है, ठीक है। एक तो हमारा हो गया ये सेल्स वाला। अब इन सब के साथ अभी कौन कौन से मैंने बताया आपको, एक आपको बताया रेंज का और सिलेक्शन, एक्टिव सेल और सेल्स, ठीक है। तो ये चार जो हैं हमारे रेंज के लिए यूज़ होते हैं।
बाकी ये एंड एक्सेल अप मेथड सब इनके साथ वैसा ही चलता है, सबके साथ ये प्रॉपर्टीज वैसी ही चलेंगी। ठीक है, अब इसके बाद क्या करते हैं, ऑफसेट। ऑफसेट क्या करता है इसमें, ऑफसेट, अब जैसे मुझे क्या करना था, मान लो मैं नीचे से आया और यहाँ से इस सेल में कुछ लिखना है मुझे, ठीक है, कोई भी एंट्री करानी है, यहाँ पे कोई एंट्री करानी है, तो मैं क्या करूँगा, एंड एक्सेल ऐप, तो ये ऑफसेट जो है ज़ीरो से शुरू होता है, आप इससे बता के इसको रो कॉलम आगे जा सकते हैं, आगे पीछे जा सकते हैं। तो कॉलम मुझे कितने जाना है, पहला कॉलम जो होगा जहाँ पे भी होगा, पहला जहाँ सिलेक्शन होगा वो ज़ीरो होगा, 0 1 2, ठीक है। तो ऑफसेट में जहाँ कॉलम मांगेगा वहाँ हम 2 देंगे, और सेम रो में काम करना है तो रो में 0 देंगे, ठीक है। तो ये सिलेक्शन डॉट, ये रेंज एंड एक्सेल अप है ना, इसी के बाद आगे डॉट ऑफसेट में आपसे मांगता है रो ऑफसेट, मैंने कहा कि 0 रो रहेगी और कॉलम 2 रहेगा। ऑफसेट के साथ भी जब आप डॉट मारेंगे तो फिर रेंज वाले सारे चीज़ आ जाएंगे, ठीक है। तो जैसे मैंने ले लिया वैल्यू ले लिया, और इस पर मैं कुछ लिखना चाहता हूँ, ठीक है। अब इसको जब मैं प्ले करूँगा, ए 6500 एक्सेल अप 02 रो, चलो प्ले हो जा, ठीक है, आ गया। तो इस तरीके से आप दे सकते हैं, अगर इसके नीचे से इस सेल में करना था दूसरी सेल में, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, एक नीचे लिया और यहाँ फिर मैंने इसको प्ले कर दिया, तो यहाँ पे आया, नीचे गया, एक यहाँ पे कर दिया, ठीक है। तो डेटा को हम ऐसे मेजर करते हैं, यहाँ तक क्लियर है। तो अब एक छोटा सा हम प्रोजेक्ट बनाते हैं, छोटा सा जिसमें रेंज का हम यूज़ करा लें, ठीक है। मान लो कि यहाँ पे एक मैं बनाता हूँ नेम सिटी मोबाइल, 3 हमारे एंट्री फील्ड्स हैं, ठीक है। यहाँ पे यूजर एंटर करेगा, उसके बाद एक बटन दबाता हूँ, बनाता हूँ जिससे, जिस पे क्लिक होने पे हैंग हो गया। चल जा, ठीक है। तो ये था हमारा बटन, में क्या करते हैं बटन बनाने के लिए, कोई भी शेप इंसर्ट कर लो, कुछ भी, ठीक है। इस पर मैंने कर दिया सबमिट डेटा, ठीक है, कलर वलर कैसा भी डिज़ाइनिंग जो चूज़ करनी है चूज़ कर लो, ठीक है। यहाँ से फॉन्ट को सेंटर में ला सकते हैं, बोल्ड वगैरह कर सकते हैं,
दिखा नहीं रहा। फिर इस पे क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, असाइन मैक्रो, और यहाँ से जो मैक्रो होगा वो असाइन कर देंगे। तो अभी मैं कोई नया मैक्रो बना लेता हूँ, उधर ही बना लेता हूँ ताकि लिस्ट में नाम आ जाए। तो सब सबमिट के नाम से कर देता हूँ, ठीक है। अब ये सबमिट मैक्रो को इस पे असाइन करना है, राइट क्लिक, असाइन मैक्रो, ये सबमिट वाला क्लिक किया, ओके कर दिया। तो अब जब मैं इस पे क्लिक करूँगा तो वो मैक्रो चलेगा। तो मैं यहाँ पे एंट्री करूँगा और ये जो डेटा आएगा हमारे पास वो आएगा यहाँ पे, नेम सिटी मोबाइल, ठीक है। अब यहाँ पे उस डेटा को एंटर करवाना है। ठीक है, शीट जब हम सीखेंगे तो अलग शीट पे कैसे कराना है वो देखेंगे, अभी सेम शीट पे कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, इसको नेम पे जाते हैं। हाँ, तो पहले क्या करना है, बटन दबना है, तो इस सेल की वैल्यू इस सेल में जानी चाहिए, पर इस सेल में ऐसे नहीं जानी चाहिए क्योंकि इस पे काफ़ी सारी वैल्यू, तो सबसे नीचे आएगा फिर सबसे ऊपर जाएगा, एक नीचे आएगा, यही एंट्री है, ताकि यहाँ पे एंट्री हो जाए हमारी, तो ये गया ऊपर, एक नीचे, ठीक है। तो एंट्री उसके, हाँ, तो वैसे तो हमारी ये सेल में एंट्री होनी है F में, ठीक है। तो F कैसे डिसाइड करेगा कि कहाँ एंट्री होनी है, तो रेंज में मैं F को दे देता हूँ 6500, ज़्यादा जितना आपके डेटा के ऊपर आप कितना दे सकते हैं। उसके बाद करता हूँ एंड एक्सेल अप डॉट ऑफसेट, ऑफसेट में मैं दे दूँगा रो इंडेक्स 1, एक नीचे आएगा, और सेम कॉलम डॉट वैल्यू जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए हमारी ये, हमेशा यही रहेगी B2। तो यहाँ पे डाल दिया मैंने रेंज B2, ठीक है। बाकी में B2, B4 और B6 है, ठीक है, और वो G में है। तो हम इसमें क्या करेंगे, पहली वाली वैल्यू को ही मानेंगे, इसी के बेस पे ऑफसेट से चलाएंगे, क्योंकि अगली वैल्यू में पता नहीं कोई एंट्री करता है नहीं करता है, तो पहली वैल्यू के हिसाब से ही चलेंगे। तो F को ही देखेंगे बस, यहाँ पे देखो, जब यहाँ पे एंट्री हो जाएगी पहली वैल्यू, तो मुझे ऑफसेट से यहाँ पे मान लो यहाँ आ गया, अब मुझे मतलब एक रो नीचे आने की ज़रूरत नहीं है, एक कॉलम आगे जाना, तो यहाँ पे मैं क्या कर दूँ, हाँ, यहाँ पे रो 0 कर दूँगा, कॉलम यहाँ बढ़ा दूँगा, ठीक है, और यहाँ पे B4 दे दिया, ठीक है। सेम इसी तरह से अगली एंट्री होगी जिसमें मैं ये कॉलम को 2 कर दूंगा और यहाँ से B6, ठीक है। तो अभी देखते हैं एंट्री हो रही है, संदीप फरीदाबाद 9718724322, ठीक है, ये हुआ, सबमिट डेटा किया, आ गया, ठीक है। पर अब मैं चाहता हूँ, देखो जैसे ही मैं सबमिट करूँ पहले तो यहाँ के डिलीट हो जाए, दूसरी एंट्री के लिए खाली होने चाहिए, तो इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ, रेंज B2, इनको मैं अलग अलग भी कर सकता हूँ पर मैं एक ही साथ कर देता हूँ क्योंकि बीच में तो कुछ है ही नहीं ना, है ना, इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा देंगे जिसका मतलब होता है ब्लैंक, ठीक है, डॉट वैल्यू कर देते हैं तो ये हो जाएगा ब्लैंक, ठीक है।
तो ये मैंने जब इसमें दोबारा एंट्री मारी, ये हो गया यहाँ से ब्लैंक। ठीक है, इसके बाद मैं ये चाहता हूँ कि ये जो है कि एक भी फील्ड अगर खाली हो तो एंट्री ना ले, ये दिखाए कि फील्ड, हाँ, मैंडेटरी बनाना है इनको सबको। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ही एंट्री से पहले ही चेक कराएंगे। वहां जाने से पहले चेक करें। हाँ, अगर हमारी इफ रेंज V2 नॉट इक्वल टू ब्लैंक, ठीक है, मतलब ब्लैंक नहीं है, तब ये चलना चाहिए। और ऐसे ही हम लगाएंगे नॉट इक्वल टू ब्लैंक, नॉट इक्वल टू ब्लैंक, नॉट इक्वल, तो तीनों पे हमें चाहिए एंड लगाएंगे। एंड कीवर्ड लगाते हैं ना, जैसे एंड का फॉर्मूला है, तो इसमें ऐसे देते हैं। एंड के बाद अगली कंडीशन दे देते हैं B4, और फिर से एंड B6, ठीक है, लास्ट में कंडीशन खत्म, देन तो ये करना है। ठीक है, यहाँ तक एल्स एंड इफ, एल्स में हम कर देंगे, और मैसेज शो करेगा। हाँ, मैसेज बॉक्स फील्ड्स कैन नॉट बी लेफ्ट ब्लैंक, ठीक है। और अगर यहाँ तक हो गया तो यहाँ मैसेज बॉक्स लिख देंगे डेटा सबमिटेड, ठीक है, समझ आया कैसे होता। तो इसमें अगर एक फील्ड उसने भर दी, वो एक बीच वाली ब्लैंक छोड़ देंगे। तो वो एंड से हो जाता है ना, जब ही होगा कि जब नॉट इक्वल टू ब्लैंक होगा, मतलब उनमें कुछ होगा, एक में भी नहीं हुआ तो एंट्री नहीं करने देगा ये। अब ये देखो, जैसे मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप करता हूँ, ठीक है, सबमिट, ठीक है, ये भी कर दिया, तब भी जैसे ही है, पर्टिकुलर उसी फील्ड को दिखा रहा जो ब्लैंक हाँ छोड़ रहा है उसने। हाँ जब तीनों में, तीनों नॉट इक्वल टू ब्लैंक होंगे तभी एंट्री होगी। वो कर सकते हैं, कर सकते हैं आगे। नहीं, जैसे मतलब पर्टिकुलर एक ही फील्ड का दिखाया, जैसे नेवा सिटी भर दिया उसने मोबाइल नंबर ही डाला, तो वो उसी कारण दिखाई कि मोबाइल मतलब उस वाली फील्ड का कि वो फ्लैग भी हो सकता है। वो लगा सकते हैं उसमें ना, फिर हमें अलग अलग ट्रैक करना पड़ेगा, अलग अलग की कौन सी खाली है। वो क्या करेगा, फिर अलग अलग इफ लगाना पड़ेगा, और उसके बगल वाला ऑफसेट आपको चला, जैसे B4 है तो C4 में लिखवा दिया, C4 की वैल्यू ये हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपका जैसे डेटा ट्रांसफर हो गया, ठीक है। तो क्लियर है कैसे बनेगा ये, तो ऐसे ही छोटे छोटे आप लोगों ने बनाने। और भी प्रॉपर्टीज़ बता देता हूँ, इनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, धीरे धीरे हम देखते रहेंगे इनके बारे में। जैसे कि कहीं फॉर्मूला लगाना है, अब फॉर्मूला लगाने के लिए सब रेंज C1 to C10, यहाँ पे हमने वैल्यू दे दी, कुछ भी दे दी। अब मुझे C11 पे एक फॉर्मूला लगाना है, रेंज C11 डॉट फॉर्मूला, ठीक है।
इक्वल टू, आप इन्वर्टेड कॉमा में वो फॉर्मूला देंगे कि सम सी वन और सी टेन, ये फॉर्मूला जो है हम इन्वर्टेड कॉमा में देते हैं, सी वन कॉलन सी टेन, कहाँ गड़बड़ हो रही है, यहाँ पे कॉलन, सम के अंदर तो डायरेक्ट ऐसे ही आता है, एरर क्यों दिखा रहा है यहाँ पर, एक इन्वर्टेड कॉमा की। अच्छा हाँ, ये वाला तो हमने क्लोज ही नहीं किया था। ठीक है ठीक है, तो फार्मूला आपको ये वाली फीचर देगा। आपने किया यहाँ पे, ये नंबर एंटर हो गए, यहाँ पे ये फार्मूला हो। ठीक है, इनको कैलकुलेट करके कंकैटिनेट करके ही हम चलते हैं कि कहाँ से कहाँ तक होना है, ऊपर से कितना लेना है, ऑफसेट वगैरह का यूज़ करके इस तरह से बनाते हैं इनको। ठीक है, बहुत सारी प्रॉपर्टी होती हैं, जो भी कुछ करना है आप रिकॉर्ड करके देख लो, उसमें आपको पता पड़ जाएगा कि करना क्या है। ठीक है, एक छोटा सा एक रिकॉर्ड करो और उसका देख लो क्या आ रहा है। अब आपको वो रेंज वाले कीवर्ड जो हैं वो समझ आ जाएंगे। जैसे अब ये रिकॉर्डिंग अगर देखो तो ये समझ आ रही है ना, सिलेक्शन डॉट इंटीरियर डॉट पैटर्न एक्सेल सॉलिड कर दिया, पैटर्न कलर निकले ऑटोमेटिक, क्योंकि ये कलर वाले जो होते हैं ना, देखो कलर की बहुत प्रॉपर्टी होती है। ये फिल्म है तो पैटर्न, पैटर्न स्टाइल, ठीक है, तो यही सब आपका इधर मैक्रो में आ जाता है। ठीक है ना, वहाँ पे वो सारी चीज़ें दिखाता है, तो सबका टिंट एंड शेड, पैटर्न टिंट एंड शेड इस तरह से देता है। हालांकि मतलब सिर्फ इसी से है, हाँ, बाकी कलर सिर्फ यही है, खाली ये भी कर दोगे तो सेम होगा। ठीक है, तो रिकॉर्ड कर करके आपको पता पड़ जाएगा, बाकी रेंज वाला आपको कर करके देखना है इसमें कि जैसे C11 में और क्या देना है, तो एक्टिवेट है, ऐड कमेंट है, ऐड इंटेंट, एड्रेस, एड्रेस लोकल, एडवांस फिल्टर, ये लगाएंगे जितने भी ये नील ग्रीन वाले दिख रहे हैं ना, ये कुछ ना कुछ काम करेंगे, मतलब फिल्टर लगाएगा, और ये जो है आपको वैल्यू देते हैं, देते या लेते हैं। ठीक है, अप्लाई नेम, अप्लाई आउटलाइन एरियाज, ऑटो कंप्लीट, ऑटो फिल, ऑटो फिल्टर, ऑटो फिट, ऑटो फिट कराना हो तो ये रहा, बॉर्डर अराउंड, बॉर्डर्स, कैलकुलेट सेल, तो क्लियर, क्लियर कमेंट्स, क्लियर फार्मूला, क्लियर हाइपरलिंक, क्लियर नोट, बहुत सारे हैं। अब देखते जाओगे तो बहुत हैं इसके अंदर, जैसे एक्सेल के हाँ, ये एक सेल की प्रॉपर्टी है कि इतने काम आप एक सेल से करा सकते हो, रैप टेक्स्ट करा सकते हो। ठीक है, तो ये चीज होती है आपकी टेक्स्ट टू कॉलम कराना है, तो ये सब चीज़ें, डेटा वैलिडेशन कराना है, श्रिंक टू फिट है, सब आपका इसी से होता है। ठीक है, डॉट लगा के कलर का बता देता हूँ, बैकग्राउंड कलर जो होता है इंटीरियर डॉट कलर से आता है। ठीक है, और जो फॉन्ट कलर आता है वो आता है फॉन्ट डॉट कलर। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको आज एक्सप्लोर करनी है। ठीक है, आज के लिए काफ़ी है, क्योंकि ये है तो देखने में ज़रा सा है, पर जब स्टार्ट होगा ना तो आपका पूरा हफ्ता निकलेगा इस पे करते करते। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग यहीं, हाँ।